Hello students, we are continuing the use of it and today we will learn about the use of it in interrogative sentences. Interrogative sentences में हम it का use कैसे करते हैं आज हम ये सीखेंगे. Before we have studied about the use of it in negative, in affirmative and today we will do in negative. So let's do use of it in interrogative sentence. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है, हम जानते हैं कि हमने पढ़ भी रखा है कि what is interrogative sentence. Interrogative होते हैं asking a questions या all type of questions are include in this sentence. वो interrogative कहलाते हैं. अभी हम पढ़ रहे हैं use of it. तो it का use हम कैसे करते हैं, हमने पढ़ा affirmative में करते हैं, negative में करते हैं, तो कैसे करते हैं, किन किन चीजों के लिए करते हैं. तो हम देखते हैं कि यूज ऑफ इट हम वेदर के लिए करते हैं, टाइम के लिए करते हैं, मंथ के लिए करते हैं, किसी चीज के लिए करते हैं, है ना. तो हम यूज ऑफ इट करते हैं, इट का यूज करते हैं. तो अब हमें देखना है कि हमारे इंटरोगेटिव के दो रूल्स होते हैं. रूल दो होते हैं इंटरोगेटिव बनाने के. फर्स्ट रूल हमारा होता है वो सेंटेंसेस जिन्हें हम क्या से शुरू करते हैं. हिंदी का जो क्या होता है, क्या ये आपकी पुस्तक है, क्या ये आपका घर है, क्या आप स्कूल जा रहे हो. तो जो सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होते हैं उनका रूल देखते हैं. उनका रूल है इज वॉज इट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, यानी वो इज अगर प्रेजेंट है तो स्टार्टिंग में इज लगेगा, इससे स्टार्ट हो जाएंगे. यदि वो पास्ट है तो स्टार्टिंग में वॉज का यूज होगा या वर्ग का यूज होगा, एज इट इज सेंटेंस रहेगा और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं. तो लेट्स डू रूल नंबर वन इज या वॉज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, उसके बाद इट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स. अभी हमने देखा अपना फर्स्ट सेंटेंस है क्या यह तुम्हारी घड़ी है, ठीक है. तो जब हमने बनाया था सिंपल में कि यह तुम्हारी घड़ी है तो इट इज योर वॉच, बट अब क्या आ गया, क्या यह तुम्हारी घड़ी है, तो जो इज है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा. तो सेंटेंस बनेगा इज इट योर वॉच, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, क्या यह आपकी घड़ी है. तो इट का यूज कहां आया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूज किया अपना हेल्पिंग वर्ब और देन जो हम यूज ऑफ इट देख रहे हैं उसी तरह से आ जाता है. क्या आज शनिवार है, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, इज इट सैटरडे टुडे, क्या आज शनिवार है. तीसरा देखते हैं क्या यह जनवरी का महीना है, सेम इज इट द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है. तो हम यूज इट का देख रहे हैं बट क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है इज वो स्टार्टिंग में आ जाएगा प्रेजेंट में, और यदि पास्ट है तो वॉज हमारा पहले आ जाएगा. जैसे क्या कल वर्षा हो रही थी, तो सिंपल क्या बनाएंगे, कल वर्षा हो रही थी तो क्या बनाएंगे, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, बट हमें क्या कल वर्षा हो रही थी, वॉज इट रेनिंग यस्टरडे. क्या कल बहुत सर्दी थी, वही क्योंकि क्या से स्टार्ट हो रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्योंकि थी तो वॉज पहले आएगा, वॉज इट वेरी कोल्ड यस्टरडे, ठीक है. क्या कल बहुत ज्यादा सर्दी थी, क्या अब 8:30 बजे हैं, तो है आगे क्योंकि यहां पर, तो क्या आएगा इज इज 8:30 को क्या कहते हैं, हाफ पास्ट,
half past 8 now. ठीक है, इज इट हाफ पास्ट एट नाउ. तो ये हमने देखा नेगेटिव इंटरोगेटिव का फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल अभी हम कल पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे ये वो था जो क्या से स्टार्ट होते हैं, और सेकेंड रूल में हम देखेंगे कि जो कब कहां कैसे क्यों क्या वो सेंटेंस के बीच में आता है. इसमें हमने क्या पढ़ा, क्या हमारा सेंटेंस के शुरू में आ जाता है, इसलिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज या वॉज वो पहले से शुरू हो जाता है, उसके बाद इट का यूज करते हैं, फिर एज इट इज सेंटेंस का यूज करते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट रूल, और कल हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2. थैंक यू.